चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद अब चांद पर लैंडिंग। चांद पर उतरने के लिए 40 दिन लेगा चंद्रयान 3, जबकि अमेरिकी अपोलो 69 घंटे में ही पहुंच गया था चांद पर, तो वहीं रूस का लूना ने मात्र 34 घंटे में ही छू लिया था चांद को। आखिर भारत के पास कौन सी तकनीक की अभी भी कमी है? दोस्तों, आपने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी। पूरे देश इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इस मिशन में भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है। 3 साल की कठोर तपस्या के बाद तैयार हुआ है ये मिशन। हालांकि इस बार कोई चांस नहीं है कि मिशन फेल हो जाए। वैज्ञानिकों ने वो गलतियां ठीक कर ली है जिसकी वजह से पिछला मिशन आंशिक रूप से फेल हो गया था। दोस्तों, अब चंद्रयान 3 पूरे 40 दिन बाद चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रयान 3 इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है चांद तक पहुंचने में, जबकि अमेरिका ने केवल 69 घंटे में ही अपना स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंचा दिया था, और रूस ने तो मात्र 34 घंटे में ही चांद तक पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया था। सवाल है कि अब ऐसी कौन सी तकनीक है जो इसरो के पास नहीं है? क्या इसरो भी ऐसा कर सकता है? क्या इसरो के पास बजट की कमी थी या किसी खास तकनीकी उपकरण की? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में क्यों लगेगा 40 दिन का समय? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आंतरिक कक्षा में स्थापित हो चुका है। अब इस अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा और फिर वहां सतह पर उतरेगा। जैसे आंतरिक कक्षा में चंद्रयान 3 फिलहाल परिक्रमा करेगा, वो धरती से 35,000 किलोमीटर दूर है। इसमें वह दिन में 5 से 6 बार पृथ्वी के चक्कर काटेगा। उसको यहाँ से चांद की कक्षा में पहुँचने और उसमें उतरने तक 40 दिन क्यों लग जाएंगे? ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि चाहे अमेरिका का चांद मिशन हो या रूस का, सभी ने अपने अंतरिक्ष यानों को वहाँ 4थे या 5वें दिन ही उतार दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक की यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, सावधानी पूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिकी की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर यह 4,05,696 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा था। सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्षेप पथ का परिक्रमा करता रहा। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमा करने का जरूरी काम भी शामिल था। चंद्रयान 2 मिशन में यानी कि गति बढ़ाने और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे पृथ्वी से अंतरिक्षयान की दूरी बढ़ाई गई कि ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब ये दूर होकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे गया तो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हो पाया। चांद की कक्षा में घूमते हुए इसके वहां की सतह पर उतरने के लिए कई ऑपरेशंस को इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर बैठे हुए कंट्रोल किया। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए उसके इंजन को चालू किया गया, फिर धीरे धीरे उसे चांद के करीब पहुंचाया गया। इसके बाद उसको धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। जब चंद्रयान की गति को आखिरी स्टेज में एकदम कम करके इसे चांद की सतह पर उतारा जाता है तो इसे लैंडिंग बर्न कहा जाता है। इसकी गति इतनी कम कर दी गई कि ये चांद पर उतर सका। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर 7 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर प्रज्ञान तैनात नहीं किया जा पाया। इसरो का अनुमान है कि चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त यानी 40वें दिन चांद की सतह पर उतरना चाहिए। अब से हर रोज इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उसे नियंत्रित करते रहेंगे, उसकी गति को बढ़ाते रहेंगे, उसकी परिक्रमा कक्षा पर नजर रखेंगे। अमेरिका और रूस के पास है ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट, भारत के पास अभी है ताकतवर रॉकेट की कमी। दोस्तों, अगर किसी को इतिहास में पीछे जाना हो तो अमेरिकी मिशन अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे और 8 मिनट लगे।
अपोलो 8 के बाद प्रत्येक मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 74 घंटे लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1959 में USSR यानी रूस के लूना 2 यान को चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे, लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा करनी होगी। वाहन इसी गति में भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोपोलेंट फ्यूल प्रणाली 700 मीटर प्रति सेकंड की गति देती है। प्रोपोलेंट ईंधन से चलने वाले इंजन उतना ताकतवर नहीं होता है। अगर चंद्रयान को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में सैटर्न वी जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो यह एक ही बार में चंद्रमा तक पहुंच सकता था। इस ईंधन का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। इसरो के सामने लैंडर को लेकर क्या हैं चुनौतियां? खैर, अब हम आपको बताते हैं कब चांद पर लैंडर उतारने के लिए इसरो को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चांद पर पहुंचने के लिए रॉकेट को फुल स्पीड में आगे बढ़ाना होता है, लेकिन जब करीब पहुंच जाते हैं तब उस स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाए ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। असल में जब कोई रॉकेट धरती पर वापस आता है तब वहां का वातावरण घना रहता है, ऐसे में इतना फ्रिक्शन मिल जाता है कि रॉकेट की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन इसके उल्टा वातावरण चांद पर रहता है, ऐसे में रफ्तार कैसे कम की जाए ये बड़ा सवाल बन जाता है। चांद पर काफी थीन एटमॉस्फेयर रहती है, ऐसे में वहाँ पर कम रफ्तार में सिर्फ परपल्सन सिस्टम की मदद से की जा सकती है। अब ये परपल्सन सिस्टम भी ठीक तरह से तब काम करेगा जब फ्यूल उतना ही ज्यादा साथ रहे। बड़ी बात ये है कि जब ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जाएगा इसका मतलब स्पेस क्राफ्ट उतना ही भारी होगा। आम जीवन एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आसानी से GPS पर एड्रेस डाल पहुंचा जा सकता है, लेकिन जब सफर चांद तक का तय करना हो तब ये GPS काम नहीं आता। ऐसे में वैज्ञानिकों के हाथ में जो कंप्यूटर होते हैं उसी से सारी कैलकुलेशन करनी होती है। वहाँ भी चांद पर लैंडिंग का टाइम आता है, उस समय तो ये बारीक कैलकुलेशन ही मायने रखती है। अगर गलत हो जाए तो मिशन फेल, सही निकल जाए तो इतिहास रच दिया जाता है।